हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम बैक टू शरण यू। आज मैं पॉइंसेटिया के साथ आया हूँ और आज मैं पॉइंसेटिया का केयर शेयर करने वाला हूँ। 2 साल पहले मैंने पॉइंसेटिया का समर प्लांट केयर वीडियो बनाया था। मैंने पॉइंसेटिया से ही अपने वीडियो बनाने की जर्नी चालू की थी स्क्रीन पे सामने आके। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। पॉइंसेटिया को जो मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने एक पॉइंसेटिया प्लांट दिखाया था जिसे मैंने 2 समर संभाल के रखा था, सर्वाइव करके रखा था, और वो 3रा समर भी सर्वाइव कर लिया था। ऑटम में वो चला गया क्योंकि शायद उसमें ओवर वाटरिंग हुई थी और टेम्परेचर भी अच्छा खासा था ऑटम का, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। उसके बाद मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ समर में पॉइंसेटिया को बचा के रखने की, पर कहीं ना कहीं बच नहीं रहे हैं। और मेरे ख्याल से ओवर प्रोटेक्टिव होने के कारण ओवर वाटरिंग हो जा रही है। तो इस बार मैंने सोचा कि विंटर में तो बच जाते हैं, विंटर का केयर भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखा हुआ हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, पर मेरे ख्याल से स्टिल पीपल स्ट्रगल विथ पॉइंसेटिया और समझ नहीं आता है विंटर में भी प्लांट को कैसे रखें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। मैं 5 साल से पॉइंसेटिया को ग्रो कर रहा हूँ और मैंने इसका टैटू भी बना के रखा हुआ है। गोवा में मैंने अपने चेस्ट में बनाया था इसका टैटू 2019 में, और मेरे लिए बहुत लव प्लांट है, वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है मेरा, और मैं हर साल विंटर में लाता हूँ। और पिछले कुछ साल से विंटर स्प्रिंग तक तो इवन समर तक रह जाते हैं, मिड समर या जब समर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर 45 डिग्री सेल्सियस चला गया था, तो उस समय प्लांट कहीं उस समय दिक्कत करते हैं, और लास्ट ईयर वो चला गया उस टाइम पे। तो इस बार मैं अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज बनाया हूँ जो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसको मैं ठीक करूँगा। और काफ़ी सारे इन्वायरमेंट में रख के इसे मैं देख चुका हूँ, और वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा कि क्या नहीं करना चाहिए आपको, और इस बार मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ वो चीज़ शेयर करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है जैसे आप समझ गए थे। मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ इस प्लांट को लेके, क्योंकि आई लव दिस प्लांट, और जब लोग स्ट्रगल करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, और आई वॉन्ट यू टू ग्रो गुड। और इन दिस वीडियो आई रियली डोंट वॉन्ट टू केयर कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, बड़ा हो गया वीडियो। अगर आपको सही में ग्रो करना है, समझना है प्लांट को, तो ये वीडियो आखिरी तक देखिए और अप्लाई करिए। विंटर में तो आप स्ट्रगल नहीं करेंगे अगर आप ये वीडियो देख लिए, तो स्प्रिंग तक भी ग्रो कर लेंगे। समर एक चैलेंज रहता है, तो समर की भी कुछ टिप्स शेयर करूँगा, और होपफुली आप इसे समर में भी सेव करके रख लें। तो आइए इसका केयर चालू करते हैं पॉट से। आप देख सकते हैं कि मैंने मीडियम साइज पॉट में लगा के रखा हुआ है। 10-12 इंचेस ऑफ पॉट इनिशियली सही रहेगा प्लांट के लिए, क्योंकि ना जैसे रायपुर हो गया, रायपुर सिटी है हमारा, तो यहाँ पे ना टेम्परेचर जो विंटर है बहुत ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं रहता है, तो इनकी ग्रोथ जो ग्रोइंग पीरियड है इनकी मेनली विंटर है और मानसून है। तो विंटर अगर अपन 2-3 महीने की ले लें और मानसून 2-2 महीने की, 2-2.5 महीने की ले लें, तो ना 5 महीने के अराउंड एक ग्रोइंग पीरियड में रहने हैं, 7 महीना नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग में भी अच्छा खासा टेम्परेचर जाता है और ऑटम में भी अच्छा खासा जाता है, 34 तक टच करता है, कई बार 35 भी जाता है। तो ऐसे में तो ये प्लांट वहाँ स्ट्रगल करते हैं, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा केयर करना है। तो मैं आगे बात करूँगा सनलाइट कितना देना है, पर ज़्यादा बड़े पॉट में मत लगाइए इनिशियली, उतने पेस में ग्रो नहीं होंगे तो रूट्स भी उतने एक्सपैंड नहीं होने, मीडियम साइज पॉट में लगाइए, अच्छा करते हैं। उसके बाद मैं इसके सॉइल मिक्स में आऊँगा। सॉइल मिक्स की प्रपोर्शन की बात करूँ तो आप इसमें 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% सैंड, 20% आप कोको कोयर ले लीजिए, और 10% आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। सैंड मिस नहीं करना है क्योंकि वेल ड्रेन रखना है सॉइल, कोको कोयर में लाना है क्योंकि मॉइस्चर रिटेंशन में काम करेगा। अगर आपको प्लांट को हेल्दी ग्रो करना है तो आप ना इसमें अच्छा सॉइल मिक्स प्रोवाइड करिए, पहली बात। और दूसरी बात, काफ़ी लोग ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं प्लांट, मैं बोलूँगा ट्रांसप्लांट कर लीजिए। अगर आप अभी ला रहे हैं तो थोड़ा सा एक दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इसका, पॉइंसेटिया का, क्योंकि विंटर एंड हो रहा है, और अगर आप ट्रांसप्लांट करेंगे ना तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगते हैं ये। अगर रूट्स अच्छे से डेवलप्ड हैं तो जल्दी सेटल हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगता है।
जैसे कि ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट थे, इसके जो रूट्स थे अच्छे खासे डेवलप्ड थे। आपने प्लांट आई बॉट इन दिसंबर वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने दिसंबर में दोनों प्लांट लाया था और उसी समय प्लांट कर दिया था। वो वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने प्लांट कर दिया है, तो मैं उसमें बताया था कि इसके रूट्स अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, इसके नहीं है। तो ये सेटल होने में 1-1.5 महीना लग गया इसे, और ये जो है ये प्लांट मेरे ख्याल से 10-15 दिन में ही सेटल हो गया था। तो एक पार्ट होता है कि आप अर्ली विंटर में ले आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और बात ये होती है कि नर्सरी में कब अवेलेबल होता है। मुझे ना इस बार ना दिसंबर में मिला है ये प्लांट। मैं अक्टूबर में भी गया था नर्सरी, नवंबर में भी गया था, पर मुझे मिला दिसंबर में। मैं चाह रहा था जल्दी मिल जाए, क्योंकि ना रायपुर में इस बार विंटर बहुत जल्दी आया है। नवंबर में ही आ गया था, मिनिमम टेम्परेचर तो 12-13 डिग्री सेल्सियस शूट कर रहा था, और मैक्सिमम यहाँ रहता है अच्छा खासा 30-31 रह रहा था, पर मिनिमम अच्छा खासा आ गया था। तो उस समय अगर मेरे को मिल जाता ये प्लांट, तो मैं इसकी ग्रोथ और अच्छी होती। तो ये चीज़ होती है, मैं आगे इस बारे में आऊँगा कि अगर आप सेव करके रख लिए इस प्लांट को, तो आप कितने अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इसको विंटर में। तो अगर आप नर्सरी भी जाएंगे आने वाले टाइम में, तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको मिल रहा है पहले ये प्लांट विंटर, अर्ली विंटर में आ गया, तो ले लीजिए। आप वहाँ से इस प्लांट को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके सनलाइट में आऊँगा। अब सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो प्लांट है मैक्सिको का प्लांट है और ये एक्चुअली में ट्री है, तो ना अच्छा खासा विंटर है ना, तो इसको डेलिकेट प्लांट तो एकदम मत लीजिए। कई लोग को देखता हूँ मैं कि एकदम अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा अंदर रखेंगे ना, तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी, इसकी ग्रोथ बहुत धीरे हो जाएगी। विंटर में बहुत अच्छा बढ़ते हैं, तो आपको विंटर में इसको सनलाइट देना है। एक स्टैंडर्ड सनलाइट कंडीशन बताऊंगा इस प्लांट का, आप 4-5 आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट सनलाइट इसे दे सकते हैं अगर विंटर अच्छा खासा है तो। अगर टेम्परेचर फ्रेम की बात करूं, 26-27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है, और मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, तो आप बिल्कुल इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं अच्छे खासे। अब बात ये होती है कि ये डायरेक्ट सनलाइट भी ले लेते हैं, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे है और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो आप इसे अच्छे खासे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। आप 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। मेरा जो प्लांट था, जो मैं आपको दिखाया था इसके समर केयर वीडियो में, जो मैं दिखाया था, उस प्लांट को मैं डायरेक्ट सनलाइट में रखता था विंटर में, जब टेम्परेचर अच्छा खासा नीचे रहता था तो, और बहुत अच्छा करता था। वन ऑफ द रीज़न है कि मेरा जो प्लांट है वो सेटल हो गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जब प्लांट सेटल हो जाए तो आप अच्छा खासा डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, अगर आपके यहाँ ठंड अच्छी पड़ती है तो। अब जो विंटर है, मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, विंटर ना एक टाइप नहीं है, हर साल ना अलग होता है विंटर। इस बार तो नवंबर में ही कम टेम्परेचर पड़ना चालू हो गया था, लास्ट नवंबर में ऐसा नहीं हुआ था नवंबर में, क्योंकि यहाँ उतना कम नहीं जाता है जनरली टेम्परेचर, और दिसंबर मॉडरेट ठंड था, और जनवरी में भी, जनवरी में तो इवन ऐसा लगा कि ठंड जा रही है, उसके बाद फिर फरवरी में फिर से ठंड पड़नी चालू हो गई। तो बहुत ऊपर नीचे है यहाँ टेम्परेचर। 2021 में मेरे ख्याल से ठंड कब आया गया पता नहीं चला। तो ये चीज़ होता है, ऐसे में तो प्लांट का ग्रो होना, पॉइंसेटिया जैसे प्लांट का ग्रो होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बार ठंड अच्छी पड़ी है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा ग्रोथ भी हुआ है। तो सेटल हो गए हैं प्लांट, यहाँ से अब प्लांट को स्प्रिंग में सस्टेन करके रखना है, और समर में अगर सेव हो गए तो ये मॉनसून में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। उसके बाद समर की सनलाइट की बात करूँ ना, तो समर में आप इसे एक ब्राइट स्पॉट में शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ पे ना इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं बोल रहा हूँ, ब्राइट स्पॉट, जहाँ पे सन की लाइट आती रहे, और सुबह की 1/2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आ जाए तो अच्छा है, या फिर 1/2 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट आ जाए तो अच्छा है। तो ब्राइट स्पॉट सूटेबल है, अच्छे रहते हैं, सर्वाइव करके रखना है। अगर वहाँ ये सर्वाइव करके रह जाते हैं तो फिर ये मॉनसून में रिवाइव करते हैं। अगर आप प्लांट को बाकी प्लांट से सराउंड करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी मेंटेन करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि समर में काफ़ी गिर जाता है ह्यूमिडिटी, लगभग 10% तक आ जाता है। तो वहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आप ह्यूमिडिटी आसपास की मेंटेन करके रखें। अगर आपके घर में एयर कूलर है तो उसके बाजू भी रख सकते हैं, अगर अच्छा खासा ब्राइट स्पॉट है वहाँ पे तो।
अगर आपको ये समझना है कि ब्राइट सनलाइट क्या होता है, ब्राइट स्पॉट क्या होता है, तो आप मेरा मनी प्लांट का वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने 3 सनलाइट कंडीशन डिस्कस की हुई है, आप लिंक फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं कार्ड पे भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद मैं इसकी वाटरिंग में आऊँगा। वाटरिंग इम्पॉर्टेंट है इसका, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था शुरू में कि मेरे से ज़्यादातर प्लांट ना ओवर वाटरिंग के वजह से मरे हैं, और मेरे जो कुछ प्लांट हैं लास्ट समर में 45 डिग्री सेल्सियस गया था, और ना मेरे 2-3 प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से मरे, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। क्योंकि ना हम ना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है और ना ध्यान रखना है कि आप पानी ज़्यादा ना डालें। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसकी वाटरिंग कैसे करता हूँ। मैं ना 1/2 इंच ड्राई होने देता हूँ इस प्लांट का, उसके बाद मैं पानी डालता हूँ। पॉइंसेटिया को ना ज़्यादा मॉइस्ट स्टेट में रहना नहीं पसंद है, थोड़ा ड्राई स्टेट पसंद करते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं छोड़ना है। एक टेक्निक बताता हूँ आपको जिसमें मैं बहुत सारे प्लांट में अप्लाई करता हूँ, वो ये है कि ना अंडर वाटरिंग इज़ बेटर देन ओवर वाटरिंग, ये मोस्टली प्लांट्स के लिए अप्लाई रहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा ना जैसे 1/2 इंच ड्राई होने देता हूँ, तो 1/2 इंच ड्राई हो रहा है सॉइल, तो ना मैं देखता हूँ कोई ओल्ड लीव्स ना येलो हो रही है या फिर कुछ अफेक्ट हो रही है कि ड्राई हो रही है कि देखता हूँ। आप कई बार देखेंगे कि ना साइड से ना एजेस ड्राई होने लगेंगे या फिर येलो हो जाएगा लीफ, वो फॉल होता है। वहाँ पे ना समझ जाना है कि ना ये ना थोड़ा अंडर वाटरिंग हो रही है, तो वहाँ पे हल्का सा फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूँ मैं। जैसे कि अब 1/2 इंच पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा और थोड़ा सा पहले मैं इसे फिर पानी दे दे रहा हूँ। तो ना ये चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ, तो आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि ना सब एरिया का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मैटर करता है, अलग अलग रहता है। आप क्या सॉइल मिक्स लगा रहे हैं, आपके यहाँ किस टाइप का सॉइल है, तो काफ़ी सारा चीज़ मैटर करता है। तो ये जो टेक्निक है, आपको ना 1/2 इंच ड्राई होने देना है, आपको देखना है कि कोई लीव्स येलो की शेड हो रही है क्या, वो पॉइंट देखना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर ओवर वाटरिंग से ना ज़्यादातर प्लांट मर जाते हैं। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं ना, तो होगा क्या कि ना एक आध लीव भी शेड होगा, आपका प्लांट ना मरेगा नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत बेनिफिशियल है। आपको प्लांट को सेव करके रखना है ना, तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट है नहीं यहाँ पे, मैक्सिको वाला एनवायरनमेंट नहीं है, ये बाहर का प्लांट है, हम इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। तो आपको ना कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी होगा अगर आपको इसको सेव करके रखना है, तो इसमें बहुत अच्छे से रह लेते हैं विंटर और स्प्रिंग, तो आप इस टेक्निक से निकाल लेंगे। अब जब समर आएगा ना, तो समर में भी ये जाते हैं डॉर्मेंसी में। समर में तो आपको स्ट्रिक्टली थोड़ा ड्राई होने देना है, उसके बाद पानी देना है 1/2 इंच, वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब होगा क्या ना, हो सकता है कि समर में पूरे लीव शेड कर जाएँ, तो ना आपको पैनिक नहीं होना है, कुछ नहीं होता। अब रूट रॉट नहीं हुआ है ना, तो प्लांट रिवाइव कर लेगा मॉनसून में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, समर में आपको थोड़ा ड्राई होने देना है 1/2 इंच जैसे मैं बोल रहा था, उसके बाद पानी देना है। तो मैं पिछले 1-2 साल से ना मैं ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा था और ना थोड़ा पहले पानी दे दे रहा था, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीज़न है कि वहाँ पर प्लांट गए हैं। तो यहाँ पर और मिस नहीं करना है, समर में आप मिस करोगे तो भी अफेक्ट हो सकते हैं प्लांट। सही से पानी दोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि समर सर्वाइव कर ले। और जब मॉनसून आएगा, तब आप मॉनसून में इसको फुल रेन वाटर दीजिए, पानी गिरेगा अब वहाँ रख दीजिए, धूप निकलेगा तो अंदर ले आइए। सुबह की टेम्परेचर कम है, तो सुबह की आप 1-2 घंटे की धूप दे सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट दे दीजिए 3-4 घंटे की, मॉनसून की बात कर रहा हूँ। तो मॉनसून में अच्छा रेन वाटर दीजिए। मैंने एक वीडियो शेयर किया था 2020 में इंस्टाग्राम में, रिवाइव किया था मेरा जो पुराना पॉइंसेटिया का प्लांट था मॉनसून में, तो वो 3रा मॉनसून था उसका, और मैं हर साल मॉनसून में उसे बाहर ले आता था, अच्छा पानी देता था। ग्रीन लीव शूट करते हैं मॉनसून में, आपको रेड लीव्स या पिंक लीव्स नहीं दिखेंगे, या फिर और भी क्रीम लीव्स में भी आते हैं इसके, काफ़ी सारे लीव्स में आते हैं, तो काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं ये, तो वो नहीं दिखेगा, पर ग्रीन लीव्स अच्छा शूट करते हैं ये। इसके लीव कलर तभी आते हैं जब टेम्परेचर कम रहता है, विंटर में ही दिखेंगे आपको इसके कलर लीव्स के, क्योंकि काफ़ी लोग की रहती है कि ग्रीन लीव शूट कर रहा है, ग्रीन लीव शूट कर रहा है, इसके कलर कब आएंगे लीव्स के। जब टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस के जाएगा मिनिमम टेम्परेचर, तभी ये अपने कलर शूट करने लगेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है प्लांट का। ये मैंने ये पढ़ा हुआ है, जनरली आप नेट पे पढ़े होंगे कि
दिन अगर छोटी रहे रात बड़ी रहे तभी ये कलर शूट करते हैं इनके लिए, उसके मुझे तो लगता है ये टेम्परेचर बेस्ड है मोस्टली। हाँ होगा वो पार्ट, पर मोस्टली टेम्परेचर की वजह से। तो कलर तो तभी आएगा मॉनसून में, अच्छा ग्रो हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, रूट अच्छा बढ़ेगा प्लांट में। आप प्रून भी कर सकते हैं मॉनसून में, ब्रांचेज आ जाएगी, अच्छा ग्रोथ लेते हैं, आपको ना बहुत सुंदर दिखेगा। अब मॉनसून में अच्छा ग्रो कर गया ना, तो ऑटम में आपको सेव करके रखना है। आप इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए एक दो घंटे की, या फिर आप ब्राइट स्पॉट में रख दीजिए। तो अगर ये करते हैं तो फिर वहाँ पे फिर विंटर आएगा, तो विंटर में आपको फिर वैसे ही प्रोवाइड करना है इनडायरेक्ट सनलाइट 4-5 घंटे की। तो विंटर में तो फिर बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, वही चीज़ फॉलो करना है जो मैं बताया हूँ। अगर ये चीज़ करते हैं तो प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और लास्ट अब नेक्स्ट ईयर तक सेव कर सकते हैं, आने वाले टाइम तक सेव कर सकते हैं। उसके बाद इसके फर्टिलाइज़र पे आएँ तो जैसे कि मॉनसून में इसके लीव्स देखेंगे, अगर आप इसे अच्छा रेन वाटर देते हैं तो काफ़ी सारी लीव्स देखेंगे। तो अब मॉनसून में इसे आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट से कर लीजिए या किसी मिक्स फर्टिलाइज़र से कर लीजिए, सही रहेगा, एक न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और जब ये विंटर में आएँ, जब विंटर में आप देखेंगे लीव फिर से शूट करने लगे हैं, तो वहाँ पे भी आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑटम में ये कहीं ना कहीं डॉर्मेंसी में फिर चले जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ, तो 34-35 डिग्री सेल्सियस चले जाता है स्प्रिंग और ऑटम में, और मॉनसून में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों कम रहने वाले हैं। तो जहाँ टेम्परेचर फेवरेबल मिलेगा इसको, वहाँ पे ग्रोथ होना चालू हो जाएगा और ऑब्वियसली अच्छा भी दिखेगा, हेल्दी भी दिखेगा। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं तो प्लांट को भी इस प्लांट को समझ सकते हैं और बाकी प्लांट को भी आप समझ के ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ये टेम्परेचर वाला फैक्टर समझ गए कि प्लांट कब ग्रोइंग पीरियड में रहते हैं, किस टेम्परेचर फ्रेम में अच्छा करते हैं। इवेंचुअली बग्स में आऊँ तो ज़्यादा बग्स तो कुछ खास दिखते नहीं हैं, अगर दिखे तो आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप एक दो महीने के इंटरवल्स में नीमो स्प्रे कर दे तो वो भी अच्छा है। तो ये था पॉइंसेटिया का केयर, होपफुली आपको पसंद आया हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अच्छे से ग्रो करें, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कमेंट में और बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप गार्डनिंग।